हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग सर्विस नाउ के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो का कंटेंट मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में रखूँगा, सो दैट मेजोरिटी जो हिंदी से बिलोंग करते हैं वो सर्विस नाउ को अंडरस्टैंड कर पाए, बिकॉज यहाँ पे मेरा प्रॉपर एजेंडा है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स करियर सीकिंग जो जॉब के लिए बाहर में इंटरव्यूज दे रहे हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत ही हेल्पफुल हो। तो इस कोर्स आउटलाइन में हम आपके लिए एक सीरीज़ लेके आए हैं, जहाँ पे हम लोग सर्विस नाउ बेसिक से लेके सर्विस नाउ एडवांस तक की सारी सिनेरियोस कवर करेंगे, अलॉन्ग विथ ऑल द इंटरव्यू क्वेश्चंस, अलॉन्ग विथ ऑल योर प्रैक्टिकल सेशंस। तो सब कुछ आपको इस कोर्स लाइन में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपका कंटेंट पसंद आए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले हम लोग देखेंगे सर्विस नाउ क्या होती है। उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो दिस इज़ रवि और करंटली मैं लीडिंग टू टेक्निकल आर्किटेक्ट एंड आई एम अ डेवलपर इन सर्विस नाउ। सो इट्स बीन सिक्स ईयर्स, मोर देन सिक्स ईयर्स दैट आई हैव बीन वर्किंग इन सर्विस नाउ। तो मैंने अपनी करियर की स्टार्ट सर्विस नाउ एडमिन से की थी। आप मेरी प्रोफाइल जाके लिंक्डइन पे चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मेरे बारे में मिल जाएगी। इफ़ यू आर ट्रस्टिंग मी द प्रोसेस, प्लीज़ स्टे ऑन दिस वीडियो सो दैट हम लोग सर्विस नाउ के बारे में सब कुछ सीखेंगे, फ्रॉम वेरी जीरो टिल एडवांस। एंड ट्रस्ट मी, वंस वी आर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, यू विल बी एंटाइटल्ड फॉर 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन सर्विस नाउ 110%। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्विस नाउ बहुत ने पहली बार नाम सुना होगा, या फिर आप इस वीडियो पे हो, इसका मतलब ये है कि आप सर्विस नाउ के बारे में जानते हो ऑलरेडी, या फिर जानना चाहते हो। तो हम लोग इस वीडियो की शुरुआत सर्विस नाउ की कुछ इंट्रोडक्शन से करेंगे। द फर्स्ट क्लास विच आई एम टेकिंग ओवर हियर इज ऑन इंट्रोडक्शन पार्ट। सो हमारी पूरी सीरीज हैंड्स ऑन होगी। देर इज़ नो PPT इन्वॉल्व एक्सेप्ट फर्स्ट डे। देर इज नो यू कैन से documents involved over here that I will be reading that document and I will be giving you the information about the document. No, sab kuch hands on karenge, sab kuch, ya to single logo change se leke small scripting tak, advanced scripting tak, integration sab kuch sikhenge throughout hands on and all the practical scenarios. So let's get started, not getting delayed. ServiceNow, so we are going to see ServiceNow in little bit depth now. As of now we can see in depth so that it will be easy for you to understand it. So basically ServiceNow kab aaya market mein, ServiceNow kya hoti hai. To ek example lete hain, hum sabo ke paas ek application hai Gmail phone mein, ya fir Hotmail, ya fir koi bhi aisa application le lo, usko bas aapko open karna hai. For example Gmail, hum log kya karte hain, Gmail mein apna account इनेबल करते हैं, बनाते हैं, देन वी लॉग इन टू दैट जीमेल एंड वी गॉट लिस्ट ऑफ ऑल द ईमेल्स विच वी आर रिसीविंग ऑन द जीमेल अकाउंट. सो वेयर दोज ईमेल्स आर गोइंग? हम लोगों ने तो सिर्फ ऐप ही यूज़ किया, ऐप में तो ईमेल है नहीं, और आप वेब ब्राउजर से यूज़ कर रहे हो तो ईमेल कहाँ है? दोज आर स्टोर्ड इन अ प्लेस, यू कैन से हाइपोथेटिकल स्पेस, जिसको क्लाउड बोला जाता है. आपने सुना होगा क्लाउड के बारे में. It's not that normal cloud which causing rain. It's not that cloud. The cloud, hypothetical space, जहाँ पे चीज़ें स्टोर होती है. In ITs, in infrastructures, if you can say, वहाँ पे चीज़ें स्टोर होती है जो आती है क्लाउड सर्विस के अंतर्गत. तो क्लाउड में सारे डेटा स्टोर होते हैं, हम लोगों को बस लॉग इन करना है. Whether you are sitting in India, whether you are sitting in US, doesn't matter. You can log into your Gmail across the world. Similarly, ServiceNow भी उसका डेटा बेस, मे बी डेटा सेंटर कहीं और हो, लेकिन ऑल द डेटा आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड ओवर देयर इन सर्विस नाउ, विच वी विल डिस्कस सून. कैसे सर्विस नाउ को क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म बोला जाता है, एप्लीकेशन एज अ प्लेटफॉर्म बोला जाता है, वो भी सीखेंगे. बेसिकली हम लोग को सर्विस नाउ में अकाउंट बनाना होता है, वो भी अकाउंट सर्विस नाउ अपने क्लाउड पे स्टोर करती है. उससे पहले हम लोग जानेंगे क्लाउड क्या है. तो लेट मी गेट टू वन डिटेल्स. एक इमेज है मेरे पास जहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ क्लाउड होती क्या है. तो जैसे सपोज करो ये आपका डिवाइस है, फ़ोन हो, डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, डजंट मैटर, कोई भी डिवाइस हो, यहाँ से हमको कुछ चीज़ें एक्सेस करनी है. जैसे जीमेल एक्सेस करनी है एंड सपोज जीमेल इज़ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, तो यहाँ से हम लोग इसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे? ऑब्वियसली हमारे पास वो ऐप होनी चाहिए या फिर
हमारे पास कुछ एंड पॉइंट्स, या इसको एंड पॉइंट्स को कहते हैं यूआरएल, और उसका एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे हम लोग उस एंड पॉइंट को हिट करेंगे, एंड वी गॉट द जीमेल सर्वर डेटा ओवर आर वेब ब्राउजर, दैट इज द क्लाइंट साइड बोला जाता है, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में। तो उसके लिए हमको एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। तो वंस द कनेक्शन इज बिन इस्टेब्लिश बिटवीन योर फोन एंड द नेटवर्क प्रोवाइडर, तो वी कैन एक्सेस द एप्लीकेशन। बट ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इसी के बारे में बोल रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकल स्पेस है। हम लोग इंटरनेट को नहीं देख सकते, बट वी आर कनेक्टिंग थ्रू द नेटवर्क विच इज गोइंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू अ हाइपोथेटिकल स्पेस। तो हम लोग को एक डिवाइस हो या मल्टीपल डिवाइस हो, हमको इसको कनेक्ट करने के लिए कुछ मीडियम चाहिए, जो होता है इंटरनेट, या फिर फायरवॉल होता है समटाइम, या फिर सबके पास एंटीवायरस होगा जो फिल्टर करती है चीज़ें, वो सब कुछ एक ब्रिज है जहाँ से हम लोग इंटरनेट को कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसी क्लाउड में सर्विस नाउ एक पार्ट है जहाँ पे हम लोग सर्विस नाउ के बारे में सीखेंगे। तो लेट्स गेट बैक टू आर पीपीटी, जो फर्स्ट क्लास है जहाँ पे हम लोग पीपीटी के बारे में जानेंगे, बट देर इज नो पीपीटी आफ्टर दैट, ऑल आर हैंड्स ऑन। सो इसके बारे में मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे सारी चीज़ें क्लाउड बेस्ड होती है, या फिर योर एप्लीकेशन, योर स्टोरेज डिवाइस, योर डेवलपमेंट स्पेस, सब कुछ क्लाउड बेस्ड ही होती है सर्विस नाउ में। क्यों क्लाउड क्यों चाहिए? फास्ट एक्सेस कर सकते हैं, इफ़ यू वी हैव इंटरनेट कनेक्टिविटी वी कैन गेट अ डेटा राइट अवे इन आर सिस्टम, बेटर इंसाइट के लिए, और ये चीप है एज कम्पेयर टू द यू विल इंस्टॉल सम सॉफ्टवेयर इन टू योर लैपटॉप और फोन, जो फ्री नहीं है, उसके लिए हमको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। बाई डिफॉल्ट सर्विस नाउ भी कुछ स्पेस देती है। आप अगर सर्विस नाउ के बारे में भी भूल जाते हो, आपके फोन में एक फोटोज गैलरी होता है जो गूगल प्रोवाइड कराता है, वो भी 14 GB स्पेस तक फ्री देता है। आफ्टर दैट 14 GB यू हैव टू पे सम अमाउंट एंड यूज इट। सिमिलरली वेयर दिस फोटोज आर गेटिंग स्टोर ऑन द क्लाउड, हाइपोथेटिकल स्पेस। तो वही है सर्विस नाउ। तो अगर आप सर्विस नाउ के बारे में जानना चाहोगे, सर्विस नाउ इस स्टेज पे लाइक करती है जिसका नाम होता है पैस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। फर्स्ट क्लाउड के तीन पार्ट होते हैं, सैस, पैस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इसको IaaS बोला जाता है। सॉफ्टवेयर सर्विस, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है जीमेल का, सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया, आपने किस प्लेटफॉर्म पे किया, ओएस एंड्रॉयड पे या फिर iOS पे। तो पैस क्या है? सर्विस नाउ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी सारी डेटा स्टोर होगी। यू कैन क्रिएट योर ओन एप्लीकेशन विद दिस टूल दैट सर्विस नाउ प्रोवाइड्स इट। एप्लीकेशन हो गया आपका सर्विस नाउ, जीमेल, याहू, अदर अदर एप्लीकेशंस। प्लेटफॉर्म हो गया आपका, जो प्लेटफॉर्म पे आपने एप्लीकेशन क्रिएट किया, प्लेटफॉर्म सर्विस ना हो गया, प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने कुछ भी एप्लीकेशन क्रिएट किया वो सैस में जाएगा, बट प्लेटफॉर्म आपका सर्विस ना हो रहेगा। लास्ट इज IaaS, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कुछ कंपनीज जैसे अमेजोन वेब क्लाउड, जहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड कराती है, E2C बोला जाता है, जहाँ पे है टू पे सम अमाउंट एंड यूज देयर सर्विस। सो पे एंड यूज, इसमें से अमेजोन वेब सर्विस नंबर वन पे आती है, उसके बाद रैक्सैप स्पेस आती है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे पैस, जहाँ पे हम लोग सर्विस नाउ के बारे में सीखेंगे। कमिंग टू सर्विस नाउ, इसको फ्रेड लुडिन इंट्रोड्यूस किया था 2004 में, व्हेन इट कम टू द मार्केट, जहाँ पे एक टूल हुआ करता था BMC रेमेडी। आई एम नॉट श्योर वेदर हाउ मेनी पीपल यू नो अबाउट BMC रेमेडी टूल और नॉट, डजेंट मैटर। सर्विस नाउ जब 2004 में आया, तब BMC रेमेडी टूल मार्केट में बहुत अच्छी पोजिशन पे था, बट अभी आप कोई भी टूल उठा लो, सर्विस नाउ इज टॉप नॉच। व्हाई कंपनीज आर मूविंग टू सर्विस नाउ, क्या रीज़न है? फर्स्ट रीज़न मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सर्विस नाउ में अ पर्सन कैन सर्वाइव विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ अ कोड। सर्विस नाउ भी बोलती है लेट्स मेक इट नो कोड लो कोड एनवायरनमेंट। अगर आपका क्लाइंट बहुत सारा कस्टमाइजेशन चाह रहा है, तो वी विल गो विथ स्क्रिप्टिंग विच वी विल रीड इन सर्विस नाउ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल द कस्टमर्स क्लाइंट विल बी स्टिक आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब यहाँ पे होता है जो सर्विस नाउ प्रोवाइड करा रहा है। नाउ इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, गूगल भी सर्विस नाउ यूज करता है टू मेंटेन देयर इंटरनल टीम्स टिकट्स, ठीक है? तो BMC रेमेडी टूल को सर्विस नाउ ने रिप्लेस किया 2004 में। दिस पर्सन फ्रेड लुडी, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सर्विस नाउ में। सर्विस नाउ में बेसिकली फंडामेंटल पार्ट होता है ITSM, जहाँ पे हम लोग IT सर्विस मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। वेयर वी कैन सी इंसिडेंट, वेदर वी कैन सी प्रॉब्लम, चेंज,
सारी पार्ट हम लोग वन बाई वन डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग कोर्स आउटलाइन। तो यहाँ पे सर्विस नाउ क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नॉट ओनली ITSM अदर मॉड्यूल्स भी इंट्रोड्यूस हुई। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते नोकिया, नोकिया क्यों फेल हो गया मार्केट में? क्योंकि वो टाइम के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाया। ही नोकिया वॉज ओनली कंसर्न ऑन द बिल्ड क्वालिटी, बट at the time when build quality was not that important, the software was going up and up, Nokia stick raha apne build quality pe. They have not changed their Symbian application to Android. Later usne Android mein pair rakha, but that is too late. There are a lot of things in the market which is getting ruled now. Now Nokia isiliye wo fail hua market mein. Aapka ek use case hai, aap wo dekh sakte ho YouTube pe, aapko bahut sare use case mil jayenge Nokia kyun fail hua. सिमिलरली BMC रेमेडी टूल फेल हो गया क्योंकि उसने 360 व्यू नहीं देखा, वो बस स्टिक रहा इंसिडेंट प्रॉब्लम चेंज मैनेजमेंट में, ITSM पे स्टिक रहा, पर सर्विस नाउ दिस पर्सन हैज सीन द ऑल द 360 व्यू। कहाँ पे हम लोग टारगेट कर सकते हैं? वेदर यू आर वर्किंग इन बैंकिंग डोमेन, वेर यू आर वर्किंग इन IT सर्विस, मेडिकल में आप HR हो, मैनेजर हो, टीम लीड हो, आर्किटेक्ट हो, सबके लिए सर्विस नाउ कहीं ना कहीं सूटेबल है। सो हम आगे देखते हैं किस कौन कौन यूज़ कर सकता है। जो मैंने बताया आर्किटेक्ट, एम्प्लॉय, एडमिन, इम्प्लीमेंटर, डेवलपर, सब कोई सर्विस नाउ यूज़ कर सकता है। देयर इज नो वे दैट नोबडी कैन यूज सर्विस नाउ, एवरीवन कैन यूज सर्विस नाउ। सो जब मैं बाहर ट्रेनिंग देने जाता था सर्विस नाउ के बारे में, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वेयर होम मेकर्स मोस्टली, दे हैव देयर ओन स्मॉल बिजनेस एंड वो अपने बिजनेस को सर्विस नाउ के थ्रू इंक्रीज करना चाहते रहते हैं, लाइक टू जनरेट बिल्स। They don't want to afford software to get it maintained. तो उन्होंने सर्विस नाउ लर्न करके खुद का एप्लीकेशन बनाया जहाँ से वो लोग खुद जनरेट बिल कर सकते हैं। लोकल वेंडर्स, टी शॉप्स, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट आर होम मेकर्स जो सर्विस नाउ लर्न करके दे आर गेटिंग वेल पेड इन सर्विस नाउ विद एडमिन अपॉर्चुनिटीज एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज ओवर देयर। सो सर्विस नाउ का मार्केट अभी बहुत ही अच्छा है एंड इट विल बी बूमिंग द नेक्स्ट 10 years फॉर श्योर 110%। जब सर्विस नाउ इंट्रोड्यूस किया था 2004 में, तो सर्विस नाउ का शेयर 2012 का बात कर रहा हूँ मैं, 2004 में तो इंट्रोड्यूस हुआ, 2012 में जब वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ तो अराउंड $0.35 था, विच इज़ लेस देन $1। अगर आप अभी करेंट रेट देखो सर्विस नाउ के एक शेयर का तो दैट इज़ अराउंड $500+। इसका मतलब है द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ सर्विस नाउ इज़ टू मच। आई विल शो यू दिस एग्जाम्पल, सर्विस नाउ ग्रोथ 0.24 इन 2012, it is 4.43 in 2020. Now if you ask me, it is around 500+. Just check this one, New York, go to the New York Stock Exchange and check current situation of ServiceNow. 3997 tha 2020 mein. After that it is now currently 500 or 450 ke around hoga. So just you can see the growth, it is very exponential. Most of the organizations are moving towards ServiceNow. The important part is इवन अ बॉट कैन राइट अ कोड नाउ। आप ChatGPT के बारे में जानते ही हो, इवन वॉट एवर यू टाइप ही विल राइट अ कोड। सो मुझे कोड नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे एडमिन की ज़रूरत है जो हमारे सारे कन्फिग्रेशन को समझ पाए और उसको ड्यूबल वे में डू कर पाए। तो हम लोग इस कोर्स में इनोवेशंस भी देखेंगे, कैसे हम लोग सर्विस नाउ के लिए क्या क्या चीज़ें अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो क्लाइंट कस्टमर्स को भी हेल्पफुल। सो यू कैन सी हेयर आर्किटेक्चर जहाँ पे BMC रेमेडी फेल हुआ वो सिर्फ इस सर्विस मैनेजमेंट पे स्टिक रहा, बट नाउ सर्विस नाउ इज इन ITBM बिजनेस मॉडल में भी है, ऑपरेशंस में भी है, सिक्योरिटी में भी है, HR मॉड्यूल में, जहाँ पे अगर ऑटोमेटेड मेल आता होगा, अगर आप कंपनी को ज्वाइन करते हो, ऑनबोर्डिंग ऑफबोर्डिंग ईमेल्स, दोज आर ऑल हैंडल बाई HR। वी हैव कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट जहाँ पे सारी कस्टमर से रिलेटेड एक्टिविटीज, केस क्रिएट से लेके सब कुछ इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में है। तो सर्विस नाउ इज नॉट ओनली ITSM, इट्स 360 नाउ, बट विदाउट ITSM यू कैन नॉट लर्न एनी अदर मॉड्यूल। ITSM एक बेस है सर्विस नाउ का, इट्स लाइक योर पिलर ऑफ योर फाउंडेशन। इफ यू डोंट नो अबाउट सर्विस नाउ, इफ यू डोंट नो अबाउट ITSM सर्विस नाउ, देन यू विल नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग लाइक ITOM, IT बिजनेस, SecOps, HR, कस्टमर सर्विस, कुछ भी सीख नहीं पाओगे। अगर बेस ही नहीं है तो छत बना के क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए सर्विस नाउ आर्किटेक्चर में सर्विस मैनेजमेंट 60-70% कवर पार्ट है। वंस वी लर्न सर्विस मैनेजमेंट तो आपको दूसरे मॉड्यूल्स में स्विच करने में बहुत आसानी होगी, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आपको एडमिन आता होगा,
आपको डेवलपमेंट के कुछ पार्ट सीखने होंगे, और जैसे ITBM का बात करते हैं उसके बारे में कुछ बातें जाननी होगी, ITBM में होता क्या है। जैसे हम लोग ITSM के बारे में सीखेंगे, तो उसी तरह मैं एक नया सीरीज लाऊंगा जहाँ पे हम लोग कस्टमर सर्विस मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, HR मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे, और अदर अदर मॉड्यूल्स के बारे में सीखेंगे। तो यही सर्विस नाउ का आर्किटेक्चर है जो 360 डिग्रीज पे है, लाई करता है। सो वी कैन कवर ऑल द टॉपिक्स, वेदर यू आर वर्किंग एज अ स्टूडेंट लाइक अ पार्ट टाइम, वेदर यू आर वर्किंग इन IT, वेदर यू आर नॉन IT बैकग्राउंड, यू आर फ्रॉम मैकेनिकल, सिविल बैकग्राउंड, केमिकल बैकग्राउंड, ऑल दोज नॉन IT बैकग्राउंड्स, यू कैन लर्न सर्विस नाउ इजली एंड एक्सप्लोर द करियर इन दिस IT अपॉर्चुनिटीज। सो जस्ट अ ग्लैंस ऑफ कस्टमर जो करेंटली सर्विस नाउ पे हैं और चाहते हैं, लॉट ऑफ कस्टमर्स आते हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू जस्ट अ हिंट, दीज आर द कस्टमर्स करेंटली यूजिंग सर्विस नाउ ऑन वाइड रेंज, जिसमें से एक नेटफ्लिक्स भी है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब पूछो नेटफ्लिक्स कैसे करता है काम, तो जैसे आपका पेमेंट कभी इंटरप्ट हो गया या फिर यू आर नॉट एबल टू एक्सेस योर नेटफ्लिक्स अकाउंट, तो आप एक टिकट रेज करोगे, वो टिकट कहाँ जा रहा है, इंटरनली सर्विस नाउ टीम के पास ऑफ नेटफ्लिक्स। सिमिलरली फेसबुक भी उसी के लिए है, मूडीज यू माइट हैव हियर्ड अबाउट इट, जो कंपनीज के बारे में बताती है, इट्स लाइक अ स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जहाँ पे आपके पास सब कुछ पता चल जाएगी कि कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है। वहाँ पे वो सर्विस नाउ यूज करती है फॉर अ डेवलपमेंट पर्पस। अमेरिकन एक्सप्रेस, एयरबस, एयर फ्रांस, लॉट ऑफ क्लाइंट्स आर देयर इन द मार्केट हु आर यूजिंग सर्विस नाउ फॉर देयर इंटरनल टीम डेवलपमेंट, इवन दे आर यूजिंग फॉर द क्लाइंट। बिग बिग क्लाइंट लाइक एयर फ्रांस, एयरबस, दे आर यूजिंग सर्विस नाउ, जहाँ पे वो लोग डेवलपर हायर करते हैं फॉर डेवलपिंग देयर ओन प्रोडक्ट्स। यहाँ पे सिटी बैंक है जो इंटरनल बैंकिंग स्ट्रक्चर्स को सर्विस नाउ पे हैंडल कर रही है। सो दीज आर द मेजर कस्टमर्स इन सर्विस नाउ। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड वॉट सर्विस नाउ इज, कि क्यों जरूरत है, क्यों चाहिए। एंड द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट हाउ वी विल गेट द फ्री इंस्टेंस इन सर्विस नाउ। फ्री इंस्टेंस का मतलब है जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्विस नाउ डेवलपमेंट, सर्विस नाउ एडमिन फ्रॉम वेरी स्क्रैच। सो बिफोर एंडिंग द सेशन आई विल गिव यू अ ग्लैंस कहाँ पे इंस्टेंस दिखता कैसा है, कहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। जस्ट आई एम गिविंग यू, आई एम गोइंग बैक टू माई गूगल। अगर आप यहाँ देखो तो सर्विस नाउ कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करनी होगी। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट एज ऑफ नाउ, मे बी इन फ्यूचर आई डोंट नो, सर्विस नाउ माइट चार्ज, बट करेंटली दिस इज कॉल्ड पर्सनल डेवलपमेंट इंस्टेंस। ये कैसे क्रिएट करना है स्क्रैच से, हम आपको इस बारे में बताएंगे। तो सारे कंटेंट जो मैं दिखा रहा था आपको, सारे चीज़ें मैं आपको YouTube के लिंक में मैं नीचे दे दूंगा, वहाँ से आप कंटेंट फॉलो कर सकते हो। और मैंने एक डे वाइज शेड्यूल भी बनाया है आप लोगों के लिए, जो मैं आपको प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ वो भी। तो ये है डे वाइज शेड्यूल, मे बी डे वाइज में पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर करके मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। तो इन दिस पर्टिकुलर सर्विस नाउ डे वाइज शेड्यूल वी लर्न फ्रॉम वेरी स्क्रैच टिल एडवांस। आप देख पा रहे हो यहाँ पे सब कुछ डे वाइज है। यहाँ पे एडमिन क्लास कंप्लीट होगी तो यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट सीखेंगे, डेवलपमेंट के बाद हम लोग इंटरव्यूज देंगे, इंटरव्यू सीखेंगे, APIs के बारे में जानेंगे, इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे, एंड बहुत सारी टॉपिक्स आई विल कीप ऑन एडिंग वंस वी कंप्लीट द कोर्स। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।